हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, यदि आपने सी यू टी यू जी का जो है कि एग्ज़ाम दिया था, ऐसे में जो है कि आप सभी लोग एक्टिव काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, तो ऐसे में यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड एक्टिव से। तो ऐसे मैंने इन्फॉर्म किया था कि इसका शेड्यूल आ चुका है और जो कि 6 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है। तो फाइनल इनकी जो है कि सी यू टी यू जी की जो है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है एक्यूटी के अंदर ये कि मतलब एक्यूटी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, तो आप उसमें यदि एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप पहले UPSEE या फिर कहें कि UPSET पिछले ईयर आपने लिया था, जितने भी कोर्सेज होते हैं सी यू टी यू जी के अंदर, वो आप उस कॉलेज में जितने भी आपने, जैसे पहले अगर एक हिसाब से कहूँ UPSC के हिसाब से जितने भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या, आज की इस वीडियोस में मैं आपको पूरा कंप्लीट जो है कि रजिस्ट्रेशन बताने वाला हूँ, पेमेंट वगैरह सब कुछ डिटेल में पूरी वीडियोस आपको इसमें मिलने वाली है, कोई डाउट नहीं होने वाला, मतलब आप कंप्लीट कर सकते हैं सारी इस वीडियो को देखकर, जितना भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी एरर आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियोज़ को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो सो चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप URL देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो एक्टिव की स्टार्ट है, JEE Mains वगैरह की स्टार्ट इधर है, और यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर UPSET CUT UG काउंसलिंग फॉर अदर UG प्रोग्राम 17 तारीख लास्ट डेट ये बताइए। और PG जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मैं आपको PG वालों को यहाँ पर बताऊँगा। फिलहाल हम लोग जो है कि CUT UG काउंसलिंग करवाते हैं AKTU के अंदर, मतलब UPSET जो इस बार नाम चेंजेस हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए पहला स्टेप आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और यहाँ से प्रॉपर एक बॉक्स आएगा, देन यहाँ से आपको ओके कर देना है। मैंने यहाँ पर ओके कर दिया और यहाँ पर फाइनली एक जो कि डैशबोर्ड ओपन होगा, और इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो डिटेल फिल करने के लिए अभी हमारे पास रोल नंबर वगैरह, पासवर्ड वगैरह तो है, पहले यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हम लोगों को करना होगा और एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको इस पर पहली बार जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर जो कि रजिस्ट्रेशन का पेज होगा ओपन होगा, और यहाँ पर जो है कि मुझे डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर केयरफुल ये आप इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें कैसे क्या आपको करना है, यहाँ पर आप इसको ज़रूर रीड करिएगा एक बार फॉर्म फिल करने से, ताकि आपको आगे कोई भी एरर हो आप इसे सॉल्व कर पाए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन काफ़ी लोग जो है कि इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने की वजह से इसको आई एग्री कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मुझसे क्या क्या चीज़ें डिटेल मांगी जा रही, बेसिक चीज़ डिटेल। जब आप इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह करें तो आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है, जो भी आपका स्कोर कार्ड है, वो आप इसको ओपन करके यहाँ पर बेसिकली रख लें तो बेटर होगा, ताकि आपको फॉर्म फिल कर या फिर आपके मोबाइल में PDF वगैरह होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं फिल करके आगे नेक्स्ट पर जाऊँगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मांगा क्या जा रहा है वो मैं आपको बता दूं। तो आपका रोल नंबर आप लोग जानते हैं, जो कि CUT UG का रोल नंबर हो, और एप्लीकेशन नंबर भी दूसरे ऑप्शन में आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है वो, उसके बाद आपका नाम क्या, आपकी माता जी का नाम क्या है, उसके बाद DOB, ये बेसिक चीज़ें। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, जेंडर वगैरह, ये सिक्योरिटी पिन, देन सबमिट, मैं फिल करता हूँ देन यहाँ पर सबमिट करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखे दोस्तों, मैंने सब कुछ प्रॉपर फिल कर लिया है, तो आपको भी ऐसे फिल कर लें। मैंने फिलहाल हाइड कुछ चीज़ें की है, तो यहाँ पर आपको जो है कि इसे प्रॉपर फिल कर लें, देन यहाँ पर सबमिट की बटन होगी, इस पर सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज, एक पेज ओपन होगा। एंड यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है कि फिल करनी होगी, जैसे कि आपको जो मेन चीज़ें हैं वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड चॉइस योर पासवर्ड। तो जैसे कि मैं शुरू में स्टार्टिंग में कहा कि आपको एक जो है कि पासवर्ड जनरेट करना होगा। ठीक है, तो अब मैं करता क्या हूँ कि मैं एक पासवर्ड जो है कि यहाँ से बना लेता हूँ। मोबाइल नंबर जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, तो आप एक अपने हिसाब से पासवर्ड अपना जो कि याद आपको रहे वो आप बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने जो CUT का पासवर्ड ही दिया था वही रख लें तो बेटर है, दोनों एक साथ रहेगा। ठीक है, ताकि आपको जो है कि दिक्कत ना हो। आप देखिए दोनों में से किसी एक का भी कर सकते हैं या फिर दोनों कर लें तो बेटर है, फिलहाल दोनों में से किसी एक का करना। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कर दिया, सिक्योरिटी पिन फिल कर दी, देन यहाँ पर वेरीफाई फाइनल सबमिट की बटन पे क्लिक कर दूँ। तो अगर मेरा पासवर्ड वगैरह OTP सही मैंने फिल कर दिया तो वेरीफाई कर लेगा, वरना यहाँ पर ये रट देगा। ठीक है,
तो ये कंप्लीट मेरा हो चुका। उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, डैशबोर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है कि आपका डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ पर रोल नंबर्स वगैरह आ जाएंगे और यहाँ पर आपने क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली। अभी देखिए आपको लगभग इतनी सारी जो चीज़ें वो फाइनली कंप्लीट करना होगा। फाइनली यहाँ पर अभी आपका जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली कंप्लीट हुआ है, अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, इमेजेस, फाइनल सबमिट, देन आपको लास्ट में फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो इसकी पेमेंट है वो आपको करनी है। तो चलिए हमने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब एक एक करके आगे भी स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि आपको पूरी डिटेल मिलने वाली, ठीक है, तो पूरी डिटेल ही मिलेगी, उसका टेंशन ना लीजिए आप। तो मैं अब करता क्या हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये हो चुका। तो मैं ये करता हूँ कि जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब एप्लीकेशन फॉर्म मुझे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो यहाँ पर आएंगे आप लोग और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर यस होगा, तो इस पर अभी टाइमिंग वाला क्लॉक बनी हुई, तो यहाँ से मैं एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। मुझे इसमें कुछ है जो है कि मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे चॉइस करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं चॉइस कर लेता हूँ, ये आप क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म उत्तर प्रदेश, आधर उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। यहाँ से आप ये समझ सकते कहाँ के रहने वाले, उत्तर प्रदेश। कैटेगरी आपकी क्या है, कैटेगरी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मे भी, ठीक है। और उसके बाद सब कैटेगरी क्या है उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूशन फीस जो कि FW फीस आप सो लोग बोलते हैं वो आप लेना चाहते हैं वो यस कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं नो कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ऐसे फिल करनी है, बेसिक सी डिटेलें हैं। तो यहाँ पर देखें ऐसे ही आपको जो कि डिटेल फिल करनी, जैसा कि इससे पहले मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो बेसिक डिटेल थी, उत्तर कहाँ से रहने वाले, कहाँ से एग्ज़ाम दिया आपने, ये सारी चीज़ें फिल करने मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन, आपने इंटर में क्या क्वालिफाई किया, क्या क्वालिफिकेशन, उसको यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पासिंग ईयर आपने कब किया, परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देने, ये हो गई। उसके बाद आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जितना भी, जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 में से आपको कितने में से कितना मिला वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो एनी आदर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इंग्लिश रख देना है, एनी आदर पर क्लिक करके यहाँ पर हिंदी रख लेना, ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। यदि आपने डिप्लोमा भी किया, क्योंकि जो डिप्लोमा स्टूडेंट है जिनका एडमिशन एक प्रकार से कहें कि वो लेटर एंट्री के थ्रू होने वाला है, और जो कि फाइनली एक प्रकार से कहें कि वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे बीटेक में, ठीक है, या फिर बी फार्मा में, ठीक है। तो यहाँ पर वो उनकी क्वालिफिकेशन जो 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 कैंडिडेट एक प्रकार से कहूँ डिप्लोमा किए हैं उनको यहाँ पर चेक करके, जैसे इसे फिल किए वैसे इसे भी फिल कर देना, ठीक है। देन यहाँ से सब कुछ चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे, यहाँ पर देखिए तीसरे में मैं सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर फिल कर दिए जो कि क्वालिफिकेशन में फिल कर, जैसे कि मैं दूसरा कवर कर लिया था एप्लीकेशन में, वही सारी चीज़ें आप कहाँ का एग्ज़ाम दिए थे और जो कहाँ के रहने वाले, वो सारी चीज़ें आपने कवर कर ली। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने पासिंग क्या किया, वो कब पासिंग ईयर किया, परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज, और आपका इंटर में जो भी सब्जेक्ट थे, जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पर आपने कितने में से कितना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो यहाँ पर ये 3 था, और एनी आदर पर क्लिक करके इंग्लिश व हिंदी आपको चॉइस करा, और जो भी है आपको जो सब्जेक्ट नहीं मिला है हिंदी व इंग्लिश चॉइस करा। और एक चीज़ और, आपको शायद कुछ इरर आती हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 ही सब्जेक्ट है और यहाँ पर 6 कलम दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप इस पर क्लिक करके ऐसे आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने डिप्लोमा किया, क्योंकि जो कि सेकंड ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं बीटेक में, तो जिसको लेटर एंट्री बोला जाता है, जो कि बी फार्मा में भी होता है लेटर एंट्री एंड बीटेक में, ठीक है, तो वो ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके जैसे आपने इंटर में फिल किया वैसे इसमें डिटेल फिल करनी है। सेवन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, देन यस कर देता हूँ। अब अगर कुछ भी इरर होती है तो शो करता, अगर सही होता हूँ मैं फाइनल नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिक चला जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ सही है, अब यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक चला जाऊँगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म भरते वक्त जो कि आपकी जो डिटेल है वो आप यहाँ पर पिन कोड वगैरह, ये आपके घर की डिटेल है, आप इस पर क्लिक कर दें, सेम एज पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो मैं ये डिटेल फिल करता हूँ, देन सेम एंड नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल फिल करके सेम एज पर क्लिक कर देना, मैंने क्लिक कर दिया, देन यहाँ से मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ, देन यस कर देता हूँ। तो ये भी मेरी डिटेल कंफर्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अब मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट में, तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट वाला ऑप्शन आ जाता है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो ये मैंने आपको पहले वीडियो स्टार्टिंग में कहा था कि आप वो क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिए पूरा, जो कि
बताया जा रहा था कि फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है, क्या है, कितनी एमबी है, पहले यहाँ पर भी आपको बताए गए हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये लास्ट स्टेप होगा, उसके बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं अपना। तो क्या फोटोग्राफ्स, आपकी फ़ोटोग्राफ्स जो होनी चाहिए वो 10 से 500 KB के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर चॉइस वाले पर क्लिक करके चॉइस करेंगे, यहाँ पर फोटो आ जाएगी, देन प्रीव्यू एंड अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट अपलोड करनी है जो कि 50 से लेकर 300 PDF में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है, SC कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, मार्कशीट अपलोड करनी है, CUT UG एडमिट कार्ड अपलोड करना है, स्कोर कार्ड अपलोड करना है, ये इतनी चीज़ें अपलोड करनी है जो कि 50 से 300 KB के अंदर में होनी चाहिए। आपको अपलोड करने के प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर देने, प्रीव्यू इस पर क्लिक करें, प्रीवियस मतलब चले जाएंगे आप पीछे वाले पेज पर, एडिट कुछ भी करना वो कर सकते हैं, लेकिन आप प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करके चेक कर लेना सब कुछ चाहिए, ठीक है। अगर इसके 50 से 300 KB में आपकी PDF होती है तो वो अपलोड हो जाए, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आपको ये देखिए ये सारी चीज़ें हो चुकी है, उसके बाद आपको क्या होगा, आपने जितनी भी डिटेल फिल की है वो आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू देखने के बाद उसके मतलब यहाँ से आपको पहले जब तक आप यहाँ पर कर लें, उसके बाद आप एक एक करके मेरे हिसाब से यहाँ पर चेक कर लें तो बेटर होगा, एक एक करके एक एक डिटेल, ठीक है। आप यहाँ पर 10 मिनट दे सकते हैं इसमें चेक कर सकते हैं कि आपसे कोई भी गलती ना हो बाद में। उसके बाद यहाँ से आप जो कि प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो एक PDF प्रीव्यू शेयर होगी, देन वहाँ पर फाइनल सबमिट की बटन मिलेगी, उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। जो पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट है वो मैं जो है कि नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट टू बना दूंगा कि आप इसमें पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने A to Z सारी चीज़ें कवर कर ली है, कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर एक प्रकार से कि फाइनल सबमिट मतलब कि डॉक्यूमेंट अपलोड तक मैंने बता दिया है, देन यहाँ पर डॉक्यूमेंट मतलब वही अब हो चुका, डॉक्यूमेंट आपने चेक कर लीजिए सब कुछ सही है, देन फाइनल सबमिट होगा। तो वहाँ तक एक प्रकार से कि मैंने फाइनल सबमिट तक कवर कर लिया है। फी पेमेंट की जहाँ तक बात है, फी पेमेंट की वीडियोज़ मैं आपको इसका पार्ट टू बना के फी पेमेंट आपको कैसे करना है इसकी वो मैं वीडियोज़ बना दूँगा, कैसे कर सकते हैं क्या है, वैसे बहुत से लोग जानते होंगे, फिलहाल मैं वीडियोज़ बना दूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियोस को यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर मुझे वहाँ पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, देन यहाँ पर जो भी डाउट है वहाँ पर SMS कर सकते हैं, एंड वीडियो के जो है कि कमेंट भी कर सकते हैं वीडियोज़ में जो भी आपका डाउट, ठीक है। तो सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।